नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। शाम के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किन्नौर के निगुलसारी में भारी लैंडस्लाइड, अभी तक 2 शव निकाले, 13 लोग किए गए रेस्क्यू। मलबे में दबी बस में घुट रही थी सांसें, फोन कर लगाई मदद की गुहार। हंगामे की भेंट चढ़ रहा मॉनसून सेशन, सीएम जयराम बोले विपक्ष ने सदन का तमाशा बना रखा है। 1 बजे साथ साथ लहराना था तिरंगा, लेकिन बीजेपी से पहले कांग्रेसियों ने लहरा दिया झंडा। हिमाचल के 131 प्राइमरी स्कूलों में शून्य और 1957 में 10 से कम विद्यार्थी। कला और शारीरिक शिक्षकों के पद भरने का वित्त विभाग को भेजा प्रस्ताव, कॉलेज प्राध्यापकों की भर्ती जल्द। हिमाचल में भारी मात्रा में चरस बरामद, नाकाबंदी के दौरान धरे तस्कर। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में लैंडस्लाइड होने से बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर एक यात्री बस और कई वाहन मलबे में दब गए हैं। अभी तक 2 शव निकाले जा चुके हैं और 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। मृतकों में से एक रामपुर व दूसरा हमीरपुर जिला के सुजानपुर का रहने वाला है। ITBP, NDRF, CISF, पुलिस बल और जिला प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान चला रही हैं। CM जयराम ने जिला प्रशासन को घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। पहाड़ से मलबा गिरने की वजह से कई गाड़ियां दब गई हैं। आशंका जताई जा रही है कि लगभग 30 लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए हैं। इधर इस हादसे में HRTC की बस सहित कई वाहन भी मलबे के भीतर दबे हुए हैं। इसी बस के ड्राइवर के फोन से लोगों ने अपने अपने परिचितों से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। उधर केंद्र सरकार भी हालत पर नजर बनाए हुए है। PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और BJP प्रेसिडेंट JP नड्डा ने हादसे पर संवेदना जाहिर की है। वहीं हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सेशन हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर सदन नहीं चलने देने के आरोप मढ़ रही है, साथ ही एक दूसरे पर बदसलूकी के आरोप भी लगा रही है। वहीं CM जयराम ठाकुर ने विपक्ष के रवैये पर हैरानी जताते हुए जमकर भड़ास निकाली। जयराम ठाकुर ने कहा कि मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सदन का तमाशा बनाकर रख दिया है। साथ ही CM कांग्रेस विधायक जगत नेगी के बर्ताव पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि जगत नेगी ने सत्ता पक्ष के लोगों को डराने व धमकाने का प्रयास किया है। CM जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कांग्रेस के विधायकों को सदन की मर्यादा को समझना होगा। 15 अगस्त को लेकर खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की धमकियों का जवाब देने के लिए हिमाचल विधानसभा परिसर में आज सभी विधायकों ने तिरंगा लहराया, लेकिन इसमें भी कांग्रेस और BJP के विधायक बंटे हुए दिखे। कांग्रेस विधायकों ने अलग से झंडा लहराया और BJP विधायकों ने अलग से, जबकि सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों दलों के विधायकों को 1 बजे विधानसभा परिसर में तिरंगा लहराने की अपील की थी, लेकिन इस बीच सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध हो गया, जिसे तिरंगा भी नहीं सुलझा पाया और कांग्रेस ने आधा घंटा पहले ही विधानसभा परिसर में तिरंगा लहरा दिया, जबकि BJP विधायकों ने अलग से झंडा लहराया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के 131 प्राथमिक स्कूलों में एक भी विद्यार्थी का दाखिला नहीं है। प्रदेश में 1,957 ऐसे स्कूल भी हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम है। बुधवार को विधानसभा में विधायक रमेश धवाला के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने स्थिति स्पष्ट की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के बाद हालात सामान्य होते ही कम संख्या वाले विद्यार्थियों के स्कूलों से संबंधित जिलों के प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों से वस्तु स्थिति प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। इस रिपोर्ट के गुण दोष के आधार पर स्कूल को बंद करने या मर्ज करने को लेकर आगामी फैसला लिया जाएगा। विधायक रमेश धवाला को दिए लिखित जवाब में बताया गया है कि विद्यार्थियों की शून्य संख्या वाले सबसे अधिक स्कूल जिला शिमला में है।
यहाँ 32 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। इसके अलावा मंडी में 27, कांगड़ा में 24, कुल्लू किन्नौर बिलासपुर में 8-8, चंबा में 10, हमीरपुर में 6, सिरमौर सोलन में 3-3 और ऊना व लाहौल एवं स्पीति जिले में 1-1 स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या शून्य है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया है कि कला और शारीरिक शिक्षकों के 1690 पद भरने का प्रस्ताव वित्त महकमे को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वित्त विभाग की मंजूरी मिलते ही इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। विधायक आशा कुमारी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि शास्त्री के 909 और भाषा शिक्षकों के 625 पद बैच वाइज और सीधी भर्ती के माध्यम से भरने के लिए जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में C&V शिक्षकों के 4839 पद रिक्त चल रहे हैं। इनमें PT के 1841, कला शिक्षकों के 1701, शास्त्री के 743, भाषा शिक्षकों के 319, होम साइंस शिक्षक के 112, उर्दू शिक्षकों के 70, पंजाबी शिक्षकों के 32, योग शिक्षकों के 8, संगीत शिक्षकों के 11, बैंड मास्टर के 2 पद रिक्त हैं। हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। हिमाचल पुलिस ने कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में नाकाबंदी के दौरान 2 व्यक्तियों को 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिलासपुर निवासी अक्षय कुमार व रविंद्र कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुल्लू पुलिस की एक टीम भटहाड़ चौक पर नाकेबंदी पर थी और वहीं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान HP01KB0830 ऑल्टो कार को जांच के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान गाड़ी से 1 किलो 107 ग्राम चरस की बरामदगी हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार सवार 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया। मामले पर SP कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस ने चरस के साथ बिलासपुर के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों पर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की तैयारी भी की जा रही है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।